मेरा शोएब अख्तर साहब से ये सवाल है कि जब आप पाकिस्तान टीम शाहीन वाले मामले पर, ठीक है, आप जब पाकिस्तान टीम में आए थे, आपकी शेप बड़ी भी, आपके बाल बड़े, आपको कपड़े पहनने नहीं आते, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप लोगों के बीच में गए, आपने अपनी ड्रेसिंग चेंज की, आपने अपना हेयर कट छोटा किया, आपने शेप रखना शुरू कर दी, सुने ये सब चीजें होती है ग्रूमिंग। जब आप सारी सी बात है, कोई एक दिन में थोड़ी कोई वो टॉम क्रूज बन के बैठ जाएगा भाई, टॉम क्रूज, ठीक है ना, एक दिन में थोड़ी कोई बन के बैठ जाएगा, ये भी सही कहा आपने, ठीक है ना। तो भाई बात ये है कि हर बंदे को एक टाइम, मतलब फवाद खान भी कहते नहीं, चलो चले फवाद खान कहते हैं, आपका फेवरेट है फवाद खान, नहीं पाकिस्तानी, ठीक है, टॉम क्रूज है, ठीक है। ये इन्होंने जो बात की, एजेंट सबने रखे हुए, कमर्शियल सबके अपने, फिर कहते जी इनको कमर्शियल नहीं मिलते, भी कमर्शियल मिल रहे हैं बाबर आजम को। बाय द वे एक मेरा पॉइंट, पेशावर दर्जी जिस अंदाज से एंथम में उनको प्रेजेंट किया, जैसे सोशल मीडिया में उनको दिखा रहे, ये ब्रांड देखे आपकी टीम बनाती है। देखिए बात ये है, टीम ने बनाया, हमारे लोगों को प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रांड क्यों बनता जा रहा है, इसकी वैल्यू इतनी, और ये मैं अपने क्रिकेटर्स को बता दूं, ठीक है, जो बंदा भी बाबर आजम का नाम यूज करके कर रहा है वो अपनी वैल्यू बना रहा है। दूसरी चीज शाहीन की आपने बात की, जल्दी जल्दी मुझे ब्रेक पे जाना है, 40 पे बॉल अगर कर रहे हैं तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है भाई। ये शोएब अख्तर ने कुछ बयान दिए, वो कहते हैं जी बाबर आजम को अंग्रेजी आनी चाहिए, या वो बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को फाइनल खेलना चाहिए था, बड़ा ही सोशल मीडिया वायरल हुआ है। आई वॉन्ट योर कमेंट ऑन इट कि शोएब अख्तर बड़े आउटस्पोकन है आपकी तरह ही, और वो सारी बातें कह देते हैं जो उनको दिल चाहता है, बट इन दो बयान पर क्या आप उनसे एग्री करते हैं? देखिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता शोएब अख्तर ने जो बात बोली है, उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो मेरा शोएब अख्तर साहब से ये सवाल है कि भाई अगर आप बाबर आजम के बारे में कह रहे हैं कि जी ब्रांड नहीं है, उनको टीवी पे बोलना नहीं आता, उनको कमर्शियल नहीं मिलेंगे, मैं इन सबसे, मैं शोएब अख्तर के अलावा और जितने भी सुपरस्टार हमारे आज दिन तक समझते हैं, हालांकि पता नहीं क्यों समझते हैं, मेरी समझ से बाहर है, टाइम ख़त्म हो गया, मैं उन सबको बता दूँ इस टाइम बाबर आजम दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो बाबर आजम है। उसके बाद मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ शोएब अख्तर को कि जब आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर आए थे ना, तो उस टाइम आपके आगे पीछे सारे स्टार ही स्टार थे। जब आप स्टार्स के बीच में खेलते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे स्टार भी बनते हैं, और अच्छे स्टार जब बनते हैं फिर आप ब्रांड भी बन जाते हैं, ठीक है, ये बात मेरी जरा सुनिएगा। उसके बाद बाबर आजम जिन प्लेयरों के बीच में रह के ब्रांड बना है, स्टार बना है, उसके आगे पीछे तो उस लेवल के प्लेयर ही नहीं है, किससे सीखेगा? आप लोग तो सारे सीख सीख के भी ब्रांड बने।